सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और आज एक फिर से नई सुबह दोबारा से मैं यहीं पे अभी आ गया हूँ और बैठा हुआ हूँ। कुछ मैं यहाँ पे अभी GoPro की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो कि हीरा 11 है क्रिएटर एडिशन, वो मैं आपको वीडियो में दिखाई दूंगा। और ये लैपटॉप रख दिया टेढ़ा मेढ़ा। बाकी बाहर का मौसम पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है और धूप कम है। और भाई अब करते हैं यहाँ पे पहले हम GoPro 11 की अनबॉक्सिंग, फिर उसके बाद करते हैं बातें। सो गाइस फाइनली अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसका नाम है हीरो 11 ब्लैक क्रिएटर एडिशन। अब क्रिएटर एडिशन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। अभी बिल्कुल पैक्ड है, इसको मैंने बिल्कुल ओपन नहीं किया है और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। सो गाइस फाइनली मैं हीरो GoPro 11 क्रिएटर एडिशन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और बिल्कुल पैक्ड है, अभी तक इसको ओपन भी नहीं किया। और भाई डब्बा वब्बा खोल के दिखाते हैं आपको क्या है इसमें, क्या क्या मिलता है। और वैसे तो एक नॉर्मल GoPro 11 भी आता है लेकिन क्रिएटर एडिशन ये प्रॉपर व्लॉगिंग के लिए दिया गया है। इसके अंदर सारी चीज़ अवेलेबल है, आपको एक्स्ट्रा बाय करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। और इसकी पैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब ये बैग मुझे काफ़ी सही लग रहा है। सो गाइस फाइनली करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और ये रहा हमारा GoPro हीरो 11 एडिशन। पहले यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट दे रखे हैं इसकी इंस्ट्रक्शन के लिए। और ये कुछ GoPro के स्टिकर्स हैं, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। और ये रहा हमारा GoPro हीरो 11। इसका सो गाइस इसमें दो तरफ स्क्रीन दे रखी है, ड्यूल स्क्रीन दे रखी है। और सबकी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई क्योंकि इसमें दे रखा है ये सेल्फी मोड के लिए स्क्रीन को आगे फ्रंट पे। और ये जो लेंस है ये रिमूवेबल है, आप इसमें दूसरा लेंस भी लगा सकते हैं। और ये है इसके फिंगर्स, इसे फिंगर्स बोलते हैं। इस पर आप माउंट कर सकते हैं स्क्रू लगा के। और बाकी माउंट एसेसरीज मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी ये यहाँ से इसको ऑन करते हैं, यहाँ से ये अगर आप इसको पानी में यूज़ कर रहे हैं तो इसको ओपन करके यहाँ से इसका पानी रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे इसके कुछ मोड दे रखे हैं। सो गाइस सेकंड चीज़ देखते हैं हम, इसका ये है मीडिया मोड जो कि सबसे बेस्ट इन्होंने दे दिया है। एक्चुअली ये वाटरप्रूफ भी आप हल्की फुल्की बारिश में से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो माइक दिया है वो इनबिल्ट माइक है, फ्रंट बैक और पूरा सराउंडिंग माइक है। आप कहीं से भी बोलेंगे पूरी आवाज़ प्रॉपर रिकॉर्ड होगी। और गाइस आप यहाँ पर साइड से GoPro को लगा सकते हैं, इसमें सेट कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट चीज़ ये देखिए, यहाँ पर हम इस जगह से एक एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा माइक चाहिए यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट GoPro को। और यहाँ से HDMI केबल से हम इसका डाटा ले सकते हैं। सो ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और ये देखिए ऊपर जो इसके दे रखा है ये, यहाँ पे हम लाइट को माउंट कर सकते हैं, लाइट जिसे आप लगा सकते हैं। और गाइज ये दे रखी है एक लाइट जिसे आप इस पर बिल कर सकते हैं, इसको यहाँ पर माउंट कर सकते हैं ऐसे। इस तरफ से। और ये इसका डिफ्यूज़र दे रखा है, अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो आप इसका डिफ्यूज़र हटा सकते हैं। और इसमें दो तीन ऑप्शन मिल जाते हैं यूज़ करने के। बाकी इस डिफ्यूज़र से आपकी लाइट कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है, बेस्ट पार्ट ये है कि इसको आप रात को व्लॉगिंग में यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको कहीं भी माउंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं। तो मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी है वो ये लाइट लगी है। और इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, अगर आप इसको रात को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। एक्चुअली GoPro के अंदर बैटरी बैकअप होता था 40 से 45 मिनट का, तो ये जब से वोल्टा ग्रिप दे दिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है पावर बैंक और इससे आप 4 घंटे का बैटरी बैकअप ले सकते हैं। मतलब आप 4 घंटे तक अब इस GoPro को यूज़ कर सकते हैं। सी टाइप केबल आपकी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, इसको जब आप इसके ऊपर माउंट कर देंगे और यहाँ से ये चार्ज हो जाता है और कंटिन्यूसली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है कि इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सारे मोड दे रखे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, वीडियो बनानी है, और ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़, इसे आप एज अ ट्राईपॉड भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप सोलो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप इसको कहीं भी ऐसे रख सकते हैं, प्लेस करके वीडियो शूट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको आप कहीं भी
ले जा सकते हैं इसको अंदर ऐसे हाथ में लगा के आप। बहुत ज़्यादा हैंडी है ये, गिरने का भी डर नहीं रहेगा और आप ईजिली इससे व्लॉगिंग कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा माउंट करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं नीचे के एसेसरीज दिखा दूँ कि क्या क्या एसेसरीज दे रखी हैं। और जो चौथी चीज़ है, जो फोर्थ चीज़ है, वो ये है कि वो इस एक्सटर्नल माइक के लिए ये इसका वो दे रखा है कवर, जिससे बाहर की नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, डिस्टरबेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, मेरे को बड़ा सही लगा। अभी मैं ये पूरा सेटअप आपको लगा के दिखाऊंगा। बाकी ये दो सी टाइप केबल दे रखी हैं, ये दो स्क्रू दे रखे हैं, ऐसे दो स्क्रू दे रखे हैं, और ये कुछ माउंट एसेसरी दे रखी है इसको माउंट करने के लिए, और यहाँ पे भी एक माउंट एसेसरी दे रखी है। और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे ये प्लेस होगा, कैसे ये लगेगा। बाकी ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। मैं आपको ज़रा ये ऑन करके दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको इसकी बैटरी भी दिखाता हूँ। ये बैटरी है जो एंड्यूरा बैटरी है, ये एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी वर्क करेगी, और ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने दी है यहाँ पे। सो गाइज़, मैंने इसको ऑन कर दिया, अभी इसके अंदर बैटरी डाल दी है, और इन्फो आई विल एक्सेप्ट कंडीशन, ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये लैंग्वेज दूसरी आ रही है, एक सेकेंड। बाय यूजिंग दिस आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, टर्न ऑन टैग योर फुटेज विद द लोकेशन स्पीड एल्टीट्यूड ऑन, इंस्टॉल द GoPro क्विक ऑन योर फोन टू फिनिश सेटअप। इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने फ़ोन पे, लीव योर कैमरा ऑन फॉलो द ऐप। और भाई ये हो चुका है GoPro 11 हमारा फाइनली सेटअप। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे हमारा पूरा ये वीडियो शूट हो चुका है, और बहुत सही एक्सपीरियंस था, मज़ा था यहाँ पे आके, और काफ़ी पीसफुल ये जगह है। बस यहाँ पे वेदर कभी भी चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, और बारिश कल बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और अभी मौसम दोबारा से बहुत ही सेक्सी हो रखा है, बहुत ही अमेजिंग हो रखा है। और अभी हम जस्ट GoPro की ये अनबॉक्सिंग करके यहाँ से निकल रहे हैं। तो गाइस, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और क्या कहते हैं, मम्मी को पिक करते हैं घर से और निकलते हैं दिल्ली की तरफ, और चलते हैं यार अब। सो ये एलोरा बेकरी पे आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इस पर इसे अभी मैंने मिल्क रस लिए हैं, और यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट शॉप है, ये लिखा भी है देखो, ओरिजिनल बेकर्स। बाकी इसका टेस्ट अल्टीमेट है, ये मैं आपको दिखा दूँगा अभी। और अब हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, टाइम होगा खास दिल्ली जाने का। गाइस, दिल्ली के लिए निकल चुके हैं अभी हम, और क्या कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, बादल काले हो गए हैं दिल की तरह एकदम, जैसे दिल काला मेरा ऐसे बादल काले। और ये मम्मी पीछे बैठी हैं अभी, बाकी सीट थोड़ी सी आगे पीछे करते रहेंगे, और तैयारी हो चुकी है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, मन नहीं कर रहा दिल्ली जाने का, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा अच्छा है। यार देखो, वेदर तो यार, अगर इसका मन नहीं कर रहा तो तेरे को यहाँ छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टॉप तो उतार देना। अगला स्टॉप तो सिर्फ हरिद्वार ही है भाई, इस ये देखिए मौसम में कुछ है मतलब ना, समझ रहे हो? और ये देखो भाग रहे हैं, ये देखो भाग रहे हैं, ये देखो समझ रहे हो? आओ बेचे, पेट्रोल फुल करा ले, हम टंकी भरवा ले, हवा भी कम दी, हवा भी भरवा रहे हैं, गाड़ी गंदी होगी, दिल्ली जाके धुलेगी। अब सिकंजी का सिस्टम बन रहा है, और सिकंजी पी रहे हैं, नींबू का असली मज़ा और कहीं नहीं, ये सिकंजी किंग अंकल बना रहे हैं यहाँ पे, नींबू गोल गोल के। मज़ा तो गर्मी में इसी का ही भाई। गई सब सिकंजी ले रहे हैं अंकल, तो सिकंजी बड़ी मीठी मीठी, सोडा गिर रखा गई जिसमें, सोडा गिरा और पाइप भी चक रहा, एक मिनट होल्ड करो, ट्रैफिक भी दिख रहा। मम्मी एक मिनट डिस्टर्ब ना करे, व्लॉग बना दे, पैसा कमा दे मुझे। मम्मी तो कुछ मत बोल, गाइस बेल्ट सी ना पहन रही मैंने, नीचे तो अच्छा पहन रहा, ऊपर बेल्ट पहन रहा, कोई तरीका थोड़ी हो गया गाइस यार। और गाइस दिल्ली को जा रहे हैं अब, तो गाइस चलते हैं, व्लॉग को एंड करते हैं, और बहुत हुआ ये सब, और ये देखो ये हमारे अंदर ही है यार, हम वी कांट हेल्प इट, अंदर है मेरे प्रेम है मेरे, लेकिन मैं दुनिया को दूंगा। गाइस गाइस मिलते हैं गाइस।
अगले व्लॉग में हमारे, ये तो अपना व्लॉग डालेंगे। सो गाइस ये व्लॉग मेरा है और व्लॉग को एंड करते हैं। अरे यार हॉर्न में जाके डिस्टर्ब सा कर दे, ऐसे मत ना बोलना। चलो यार गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना ना भूलें, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम स्नैपचैट फेसबुक, जहाँ कर सकते हो कर लो और मैसेज करो बातें करो, और जिसको ट्रिप पे मेरे साथ चलना हो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो।